ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग एस्पेक्ट गामा कैमरा, और आज यह शायद प्रोबेबली 11th लेक्चर है। छोटे छोटे पार्ट में जैसे हम लोगों ने बहुत आराम से धीरे धीरे कवर किया, सो मे बी प्रोबेबली हो सकता है कि आज का लेक्चर लास्ट हो, लेकिन फिर भी यदि ख़त्म नहीं हो पाया राइट, तो वी मे गो इन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फॉर एस्पेक्ट गामा कैमरा। डिजिटल एंगल गामा कैमरा, देखो अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया था वो एनालॉग की बात करी थी, तो अभी डिजिटल गामा कैमरा लोग बोलते हैं, तो डिजिटल गामा कैमरा किसको बोलते हैं राइट, उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, इन रिसेंट मॉडल्स, मतलब अभी भी जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसको शॉर्ट में ADC भी बोलते हैं, आर यूज टू डिजिटाइज द PMT सिग्नल्स एट द प्री एम्पलीफायर आउटपुट्स। मतलब बेसिकली आपको पता है कि जो PMT से सिग्नल जो जा रहा है वो प्री एम्पलीफायर को जा रहा है, और प्री एम्पलीफायर के बाद एम्पलीफायर को जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो प्री एम्पलीफायर का जो आउटपुट जो है वो वहां उसके बाद वो लोग डिजिटाइज करते हैं, जो प्री एम्पलीफायर का आउटपुट होता है उसको। इवेंट पोजिशनिंग सिग्नल्स एंड एनर्जी आर कंप्यूटेड यूजिंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले आपका प्री एम्पलीफायर का आउटपुट को डिजिटाइज कर देते हैं, मतलब उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली, और उसको डिजिटाइजेशन के बाद आपका इवेंट पोजिशंस निकाला कि कहाँ पे एक्स वाई पोजिशंस कौन सा था, जहाँ पे इंटरेक्शंस हुआ था, और एनर्जी कितनी थी राइट। दिस अप्रोच, इससे फायदा क्या होता है, दिस अप्रोच फैसिलिटेट फीचर्स सेज PMT थ्रेशहोल्डिंग। मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे इस यदि हम डिजिटल फीचर यूज करते हैं, मतलब PMT के आउटपुट प्री एम्पलीफायर के आउटपुट को जब हम डिजिटाइज करते हैं, तो उस समय पे PMT जो है उसका सिग्नल को थ्रेशहोल्ड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शन है वहाँ पे कि थ्रेशहोल्ड करने से हमको फायदा क्या होगा, कुछ PMT के सिग्नल जो है हम एनर्जी कैलकुलेशंस या इवेंट कैलकुलेशंस में हम ना यूज करें। जनरली जो होता है, जो फार होते हैं इंटरेक्शन साइट से, ज़्यादा दूर होते हैं PMT, वो कम सिग्नल ले करते हैं, एक्वायर करते हैं, और जब हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो मिस पोजिशनिंग ज़्यादा होती है, जिसमें कम लाइट गया होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो क्योंकि देखो हमारा जो तरीका जो है वो कैलकुलेट करने, एक्स वाई पोजिशन कैलकुलेट करने का, वो सेंट्रोइड कैलकुलेट करते हैं बेसिकली हम लोग राइट, तो एक तरह से मीन पोजीशंस आता है। तो ये जब जब बिल्कुल कम होगा सिग्नल जिसका, तो उसको उसको इल्यूमिनेट कर देने से पोजीशन इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेसी जो है इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए यदि हम डिजिटाइजेशन कर दिया तो हम लोग थ्रेशहोल्डिंग कर सकते हैं करेक्ट, एक फायदा ये होता है। एंड प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन असाइनिंग PMT वेटिंग फैक्टर। और डिजिटाइजेशन का ये भी फायदा होता है कि हम अलग अलग PMT को अलग अलग वेट प्रोवाइड कर सकते हैं ओके, और उस वेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या होता है कि इस पोजीशंस पे आया था एक्स वाई पोजीशंस पे, और वो PMT कहाँ पे था उसके लिए वेटेज देते हैं, और तब मल्टीप्लाई कर करके सबका जोड़ते जाते हैं डिवाइडेड बाई द टोटल जो भी उसके पास लाइट आया था, ऐसे करके टोटल वेट बेसिकली, तब जाकर के वो मीन निकल जाता है। इट ऑल्सो अलाउज फॉर इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल। इससे ये भी फायदा है कि देखो अभी क्या है कि जब जब हमने डिजिटाइज कर लिया एक्स वाई सिग्नल को, तो एक्स वाई सिग्नल में को अलग हम थ्रेशहोल्डिंग कर सकते हैं जो पोजीशंस निकालने के लिए, और बाकी इनको सम करना होता है। सम करते हैं जब टोटल सिग्नल को, एक्स और वाई सिग्नल को, तो जाकर के एनर्जी मिलता है। तो हम एनर्जी अलग कैलकुलेट कर सकते हैं और थ्रेशोल्डिंग करके पोजीशंस निकाल सकते हैं। तो थ्रेशोल्डिंग करके जब पोजीशंस निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा, जब थ्रेशोल्डिंग करके पोजीशंस निकालेंगे तो उस केस में हमने क्या किया, कुछ PMT के जो सिग्नल जो थे उसको हमने क्या कर दिया,
हटा दिया, लेकिन एनर्जी जब कैलकुलेट कर रहे हैं वहीं पे तो उसको इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। अब समझ पा रहे हैं? क्योंकि डिजिटाइज करके दोनों अलग बना हुए ना, दोनों जोर डिजिटाइज करके अलग बनाते हैं, यहाँ से जिसके मर्जी हो थ्रेशोल्ड कर दें, और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट है उसका डिजिटाइज, तो टोटल जोर ले, या हम थ्रेशोल्ड करने के बाद जाके जोड़ें, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल बन जाते हैं ना हमारे पास। गॉट इट? सो ये इसी की बात कर रहा है। टीट अलाउज इंडिपेंडेंट कंप्यूटेशन ऑफ एनर्जी सिग्नल, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि एनर्जी सिग्नल जो होगा वो पोजिशन से लिंक्ड होगा। पोजीशन से लिंक तभी होगा कि उसका कैलकुलेशन कि जब मुझे थ्रेशोल्डिंग करने का फैसिलिटी ना हो। ओके, सच कैमरास हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डिजिटल कैमरा। इसी टाइप के कैमरा को लोग इंडस्ट्री में डिजिटल कैमरा बोलते हैं। तो डिजिटल कैमरा में क्या है कि पीएम ट्यूब के सिग्नल को बेसिकली आपको डिजिटाइज करना है, और उसके बाद जाकर के पोजीशन जो है आपको कैलकुलेट करना और एनर्जी कैलकुलेट करना है। पोजीशन कैलकुलेट करते वक्त आप थ्रेशोल्डिंग यूज कर सकते हो। थ्रेशोल्डिंग यूज करने का फायदा क्या है कि पोजिशनल एक्यूरेसी बेहतर ढंग से, मतलब उसके पोजिशनल एक्यूरेसी डिटर्मिनेशन की एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ओके, तो इस टाइप के कैमरा को, जिस कैमरा में ये पर्टिकुलर फैसिलिटी है उसको बोलते हैं डिजिटल कैमरा। ठीक, डिजिटल गामा कैमरा, सॉरी। एल्गोरिथम डेवलप्ड प्रीवियसली फॉर ऑटोमेटिक पीएमटी गेन कंट्रोल, एनर्जी एंड लिनियरिटी करेक्शंस आल्सो आर अडॉप्टेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब देखो यहां पे क्या बोला कि एनर्जी ऑटोमेटिक पीएमटी का गेन कंट्रोल, मतलब उसको ऑटोमेटिकली उसके गेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और एनर्जी और लिनियरिटी करेक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होता है, उसके लिए सर्किट नहीं है। जो पहले वाले जो गामा कैमरा आते थे उन चीजों के लिए सर्किट होते थे, राइट? तो डिजिटल गामा कैमरा में ये ऑटोमेटिक करेक्शंस ऑफ ऑटोमेटिक पीएमटी का गेन कंट्रोल, एनर्जी और लिनियरिटी करेक्शन जो है वो होता है सॉफ्टवेयर से, ठीक है? और बाकी तो ये आपको पता है कि पीएम ट्यूब का सिग्नल जो है, जो जो प्री एम्पलीफायर से जो का जो भी आउटपुट आता है उसको डिजिटाइज कर रहे हो, और डिजिटाइज करके एक्स वाई सिग्नल का वैल्यू, एक्स वाई पोजीशंस निकाल रहे हो और एनर्जी निकाल रहे हो। आगे चलो। ओके, ऑल स्टेट ऑफ आर्ट कैमरास देखो, डिजिटल कैमरा में ये चीज होता है कि अप टू प्री एम्पलीफायर तक जो भी सिग्नल जो आ रहे हैं वो वहां तक एनालॉग की तरह ही आ रहे हैं और सर्किट के थ्रू ही जा रहे हैं, राइट? अब उसके बाद के इंफॉर्मेशन जो सर्किट के बाद वाले जो आएंगे जो भी, उसको डिजिटाइज करना है, और जो जैसे यहाँ पे डिजिटाइज हो जाएगा प्री एम्पलीफायर का आउटपुट, तो जो अब एम्पलीफायर को जो आउटपुट जाएगा एंड सो ऑन, दैट ऑल विल गो टू द डिजिटल। क्लियर? ओके, ऑल स्टेट ऑफ आर्ट कैमराज जितने भी अभी जो आ रहे हैं गामा कैमरा, दे यूज डिजिटल सर्किटरी एट सम पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं वो गामा कैमरा में किसी न किसी पॉइंट पे जाकर के वो लोग डिजिटल सर्किटरी यूज करते हैं, राइट? कि डिजिटाइज कब करना है और उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, करेक्ट? तो उसके लिए अलग सर्किट है, मतलब वो डिजिटल सर्किट की बात कर रहा है, डिजिटाइज यही इसी की बात कर रहा है कि दे यूज डिजिटल सर्किटरी एट सम पॉइंट, कहां वो एक डिफरेंट हो सकता है। दे डिफर इन द स्टेजेस, दे डिफर इन स्टेज एट विच डिजिटाइजेशन ऑकर्स, मतलब किस पॉइंट पे डिजिटाइजेशन हो रहा है वो डिफरेंस हो सकता है। इन सम केसेज इट अकर्स बिफोर पोजिशन एंड एनर्जी सिग्नल कंप्यूटेशन, मतलब एनर्जी और सिग्नल पोजिशन और एनर्जी कैलकुलेट करने के पहले डिजिटाइजेशन हो रहा है, और किसी में एंड इन अदर्स इट अकर्स बियॉन्ड द कंप्यूटेशन, मतलब आफ्टर पोजिशन और एनर्जी सिग्नल कैलकुलेट करने के बाद जाके डिजिटाइज करते हैं। ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सारे जो हैं वो डिजिटल सर्किटरी यूज करते हैं, ऑल डिजिटल गामा कैमरा जो भी आ रहा है, मतलब जो भी अब जो गामा कैमरा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें डिजिटल नहीं यूज होता। द डिजिटल सर्किटरी अप्रोच हैज लेड टू गामा कैमराज विथ मच ग्रेटर स्टेबिलिटी,
इससे फायदा क्या हुआ कि गामा गैमा का परफॉर्मेंस जो है वो काफी स्टेबल हो गया। जब हम लोग काम करते थे, मुझे याद है 1999, 96, 97, 95 के आसपास में, 92 के आसपास में जब आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, सो उस समय पे कैमरा जो थे वो बहुत स्टेबल, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा करते थे। मतलब ऐसे समझ लो कि अभी हम इस रूम में बैठे हुए हैं और थोड़ी देर के बाद कोई आके बोल सकता है कि यदि उस टाइप का कैमरा हो कि ये तो काउंट ही नहीं एक्वायर कर रहा है, देखो आके डॉक्टर साहब क्या हो रहा है प्रॉब्लम। ओके, सो देन वी यूज टू गो पिक कैलिब्रेट एंड देन फिर जाकर के स्टार्ट होता था, वो कभी भी डाउन हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं थी। जब से डिजिटाइजेशन है तो इसकी स्टेबिलिटी मतलब काफी अच्छी हो गई है, और रोज रोज एकदम से खराब नहीं होता कि रोज मैसेज आ रहा हो कि आज गामा कैमरा खराब हो गया, आज हो गया, होता है, बट वो डाउन टाइम नहीं बोलेंगे, मतलब रेट ऑफ, हाँ रेट ऑफ मतलब परफॉर्मेंस गेटिंग डाउन, दैट हैज डिक्रीज्ड। सो इन अदर वर्ड हम उसको बोल रहे हैं कि उसके परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो गए। ठीक है, सो द डिजिटल सर्किटरी अप्रोच हैज लेड टू गामा कैमराज विथ मच ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। जिन नेचुरली यदि गामा कैमरा स्टेबल होगा उसका परफॉर्मेंस, तो वो ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस जो होगा वो ऐसे ही इम्प्रूव हो जाता है कि ओवरऑल रेटिंग उसकी बढ़ ही जाती है। राइट, ऑल कैलिब्रेशंस एंड करेक्शंस कैन बी ऑब्टेंड एंड अपलोड एंड अपडेटेड इन द फील्ड अंडर कंप्यूटर कंट्रोल। पहला, जितने तरह के कैलिब्रेशंस है और करेक्शंस है, मतलब यदि कैलिब्रेट करना है कि पीएम ट्यूब का गेन एडजस्ट करना है, ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोर लेना है या इनर्जी के लिए आपका लिनियरिटी करेक्शंस करना है, यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस करना है, एनर्जी करेक्शंस करना है, उसके टेबल स्टोर करना है हमें, तो ये अप कैलिब्रेशंस करना, करेक्शंस टेबल बनाना, उसको स्टोर करना और अपडेट करना। अपडेट करना मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आज आपने एनर्जी करेक्शंस का टेबल जो है सेव किया, तो वो धीरे धीरे जब कैमरा जब जैसे जब चलता है, राइट, तो इसके परफॉर्मेंस गिरते जाते हैं, और रोज आप वेरीफाई करके देखते हो, जब एक एक लेवल तक गिर जाता है, राइट, तब जा करके हम क्या करते हैं, फिर हम अपडेट करते हैं, फिर उस कैलिब्रेशन मैप जो होता है, या सेंसिटिविटी करेक्शन मैप हो या यूनिफॉर्मिटी करेक्शन मैप हो, उसको फिर जा करके हम लोग रीस्टोर करते हैं, दूसरी बार अपलोड करते हैं। यू गॉट इट? क्योंकि देखो पहले भी बोला है कि ये जितने करेक्शंस मैप जो होते हैं, जो पेशेंट स्टडी जब आप करते हो तो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हो, हर पेशेंट स्टडी होगी वो करेक्शन अप्लाई करके जा करके रिजल्ट आता है, तो अप्लाई करने के बाद भी जब खराब आ रहा है रिजल्ट, तभी जा करके उसको अपडेट करना पड़ता है, पुराने वाले को हटाना पड़ता है और आज के तारीख में फिर से कैलिब्रेट करके, और आप एनर्जी मैप, लिनियरिटी मैप, ये सारे मैप स्टोर करते हो। यू गॉट इट क्लियर? ओके फाइन। एंड ये जो जो कंप्यूटर से कंट्रोल जो होता है फील्ड में, मतलब आप कर सकते हो, या तो यूजर करे या नहीं तो कंपनी का सर्विस इंजीनियर करे, दोनों को फैसिलिटी होती है, डिपेंडेंट ऑन कंपनी कि कंपनी जो है वो अपने सर्विस इंजीनियर को ही ऑथराइजेशन दे रही है या यूजर को भी दे रही है। जनरली कंपनी जो होती है वो अपने हाथ में रखती है, क्योंकि यूजर भाई उनका काम बढ़ता है, यदि मान लो कि यूजर ने किसी भी तरह से चीजें खराब कर दी तो उनको बार बार आना पड़ता है, उनके डाउन टाइम होते हैं तो पेनल्टी होती है, देयर आर मेनी क्लॉज और मेनी प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो लोग प्रिवेंट करने के लिए या अवॉइड करने के लिए जनरली चीजें जो हैं वो लोग अपने हाथ में रखते हैं, तो बोलते हैं आप कॉल लॉक करा दीजिए, हम आकर के ठीक कर देंगे। ओके ठीक है जी, आगे चलो। यहाँ पे देखो फिगर 7.10 जो है, इट क्या, इट इलस्ट्रेटेड द इम्प्रूवमेंट ऑफ इमेज क्वालिटी स्टार्टिंग विथ रॉ एंड बार पैटर्न इमेज विदाउट एनी करेक्शन ऑल द वे थ्रू टू ऑल द वे थ्रू टू यूनिफॉर्मिटी करेक्शन। पहले भी हमने बोला है कि अभी के जितने भी गामा कैमरा आते हैं, सबसे पहले एनर्जी और लिनियरिटी करेक्शन होता है, उसके बाद ही ऑनलाइन
यूनिफॉर्मिटी करेक्शंस होता है। तो फर्स्ट स्टेप एनर्जी और लिनियरिटी करेक्शंस ही है। जब ये अप्लाई होगा तब जाके लास्ट में यूनिफॉर्मिटी करेक्शन अप्लाई होगा एक एक करके। तो इसीलिए बोला ऑल द वे थ्रू टू यूनिफॉर्मिटी करेक्शन तक जाएगा। तो ये जो इमेज जो है वो इसका रॉ इमेज है, एक टेस्ट मेंटे में इसका रॉ इमेज है। ओके, इस यहाँ पे कोई भी करेक्शन अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ ये दूसरा वाला इमेज जो है वो है एनर्जी करेक्शन अप्लाई करने के बाद। तो यू कैन जस्ट सी द डिफरेंस। देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, देख रहे हो इस एरिया को, देखो तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो ये एक एनर्जी करेक्शन आपने लिया तो जाकर के कुछ चीजें जो है इम्प्रूव हो गई। यहाँ पर देखो ये बार फैंटम का इमेज है। अब इस इमेज में और इस इमेज में आप डिफरेंस देखते हो, देयर इज स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन बार रेजोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। एनर्जी करेक्शन अप्लाई किया है तो इज इट ओके, ओके फाइन। नाउ अब देखो यहाँ पे ये अगेन वही फैंटम का इमेज जो था, एनर्जी करेक्शन कर दिया और फिर लिनियरिटी करेक्शन कर दिया, दूसरा अभी लिनियरिटी वे अप्लाई किया। तो वही जो फैंटम का जो इमेज जो था रॉ इमेज, देखो रॉ इमेज अब कितना इम्प्रूव हो गया। पहले पहले पीएम ट्यूब के पैटर्न दिख रहे थे, वो पैटर्न गायब हो गए, करेक्ट। और फिर यहाँ पे इसके बाद एनर्जी करेक्शन अप्लाई करने के बाद, एनर्जी लिनियरिटी करेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑल ऑन मतलब उसके बाद यूनिफॉर्मिटी करेक्शन भी अप्लाई कर दिया, तो सीधा इमेज राइट। तो इमेज में इम्प्रूवमेंट हुआ। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये बार फैंटम में, देखो बार फैंटम के इमेज में यहाँ पर एनर्जी और लिनियरिटी करेक्शन अप्लाई कर दिया, तो देखो पिछले वाले से कंपेयर करोगे तो इमेज इम्प्रूव हो गया। और जब सारे ऑन कर दिए मतलब एनर्जी भी कर दी, लिनियरिटी भी कर दी और यूनिफॉर्मिटी कर दी, तो सीधा इमेज द डिफरेंस। सो ये जब आप करेक्शन अप्लाई करते हो तो इमेज की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है, इसके परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर की ही बात कर रहे हैं। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गामा कैमरा ही स्टडी करो, उसी के हेडिंग्स में सारी चीजें चल रही हैं अभी। और यहाँ पे उसका काम यही है क्या कि यूनिफॉर्म फ्लड सोर्स का इमेज यूनिफॉर्म देना, मतलब सेंसिटिविटी हो गई, यूनिफॉर्मिटी हो गई, और तीसरा जो है वो रिजोल्यूशंस बेहतर देना। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, रिजोल्यूशन को डिपेक्ट कर रहा है कि रिजोल्यूशन कितना है। और यहाँ पे हमने देखा कि जब तीनों करेक्शंस ऑन करते हैं तो वी कैन बेटर अप्रिशिएट द रिजोल्यूशन व्हाट एवर इट इज अवेलेबल इन विद द गामा कैमरा। आगे चले, अब इसके बाद आता है काउंटरेट कैपेबिलिटी। एक तो काउंटरेट कैपेबिलिटी में क्या है, लिख रहा है कि एज टेक्नीशियम 99M लेबल्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल वेयर डेवलप्ड अलाउइंग फॉर इंजेक्शन ऑफ मेगा बेक्यूरल क्वांटिटीज फॉर डायग्नोस्टिक स्टडीज, द एबिलिटी ऑफ इमेजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन टू रिस्पॉन्ड टू हाई काउंट रेट्स विदाउट सिग्निफिकेंट डेड टाइम काउंट लॉस, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बना। कि भाई मान लो कि हमारे पास टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलप हो गया, अब बहुत सारी ऐसी स्टडी है जहाँ पे हम लोग ज्यादा एक्टिविटी इंजेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्डियक फर्स्ट पास स्टडी करोगे तो उसमें बोलस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मेगा बेक्यूरल, ज्यादा मेगा बेक्यूरल इंजेक्ट करते हैं, तो उस केस में डेड टाइम के चलते काउंट लॉस हो जाता है। ओके, बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, द एबिलिटी ऑफ द इमेजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन टू रेस्पॉन्ड टू हाई काउंट रेट्स विदाउट सिग्निफिकेंट डेड टाइम काउंट लॉस। बिना सिग्निफिकेंट डेड टाइम काउंट लॉस के मुझे चाहिए कि हाई काउंट रेट की भी वो इमेजिंग कर पाए, करेक्ट। बिकेम इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर डायनेमिक प्रोसीजर्स सच एज फर्स्ट पास कार्डियक फंक्शन स्टडीज। There has been considerable debate about resolving time measurement because scintillation gamma camera contains paralyzable and non-paralyzable circuitry. मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी का डिटेक्शन जो है एक एक करके होना है, एक एक पल्स वाइज होता है, राइट। तो एक पल्स आया फिर दूसरा आएगा,
तो उस बीच का डिफरेंस, तो दोनों को रिजोल्व करने के लिए जो टाइम जो लगता है, मिनिमम टाइम गैप, कि इतने टाइम के बीच में यदि आएगा तो रिजोल्व नहीं हो पाएगा, इसके बाद इस टाइम गैप के बाद में आएगा तभी जाकर के रिजोल्व हो पाएगा, तो वो बन गया आपका रिजोल्विंग टाइम। और रिजोल्विंग टाइम विल अफेक्ट अगेन द डेड टाइम की तरह। तो रिजोल्विंग टाइम में भी दो तरह के, बेस्ड ऑन द रिजोल्विंग टाइम मॉडल दो टाइप के कैमराज रहते हैं, दो आता है, एक आता है पैरालिजेबल एंड नॉन पैरालिजेबल, दो तरह की सर्किटरी अवेलेबल है, पैरालिजेबल और नॉन पैरालिजेबल। पैरालिजेबल और नॉन पैरालिजेबल में क्या फर्क है, ये देखो, यदि मान लो कि एक टाइप पे यहाँ पे इनपुट पल्स रेट रखा है, मतलब ये इनपुट पल्स रेट का मतलब हुआ कि इनपुट काउंट रेट, तो जैसे जैसे आप काउंट रेट इधर बढ़ाते हो तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जॉर्व कर रहे हो, किस काउंट रेट से चीजें जो है आप यहाँ पे एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो लीनियर है, एक्चुअल में सिस्टम लीनियर होगा तो इसका मतलब कोई भी काउंट रेट का लॉस नहीं हो रहा, राइट। लेकिन ये प्रैक्टिकली आइडियल सिचुएशन से ये है, लेकिन आइडियल सिचुएशन से ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, एक लिमिट के जाने के बाद दो तरह के सिस्टम आ जाते हैं, एक तो धीरे धीरे नॉन पैरालिजेबल, मतलब धीरे धीरे काउंट लॉस हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है, जैसे सडनली लॉस होकर के बिल्कुल जीरो की तरह हो जा रहा है। तो इस टाइप का जो सिस्टम जो होता है वो पैरालिजेबल बोलते हैं, और इस ये जो होगा ये नॉन पैरालिजेबल सिस्टम से के कैटेगरी में आता है। ओके, ए मेथड प्रपोज्ड बाय एडम्स एट ऑल हैज बीन जनरली अडॉप्टेड, किस लिए, कि डेड टाइम हम कैसे कैलकुलेट करें। क्योंकि देखो डेड टाइम यदि, कई बार क्या होता है कि बहुत जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे थेरेपी आप देते हो तो थेरेपी में भी हाई अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इंजेक्ट करते हो, तो ज्यादा एक्टिविटी जब आप दोगे तो गामा कैमरा जो है डेड टाइम के चलते जो मेजरमेंट करके देगा जो वैल्यू, वो काउंटरेट लॉस होने के बाद वो देखता है, तो कितना लॉस हुआ है वो यदि आपको पता चल जाए तो आप ओरिजिनल बता सकते हो कि ओरिजिनली कितने काउंट थे, करेक्ट। तो उस समय पे डेड टाइम को आपको डिटरमिन करना पड़ता है कि इस कैमरा का डेड टाइम कितना है, ओके, वो पता होना चाहिए। ये कई बार जो पेपर लिखते हैं लोग थेरेपी में, तो उस समय पे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, ये हैव यू कैलिब्रेटेड, कैसे आपने निकाला, इतनी एक्टिविटी दी तो इतने के लिए तो गामा कैमरा आपका काम नहीं कर रहा, राइट। तो आपने सही जो एस्टिमेट किया है, इतनी एक्टिविटी बताया कि इतनी एक्टिविटी थी, वो करेक्ट है, इसकी उसका एविडेंस क्या है, नहीं। बेसिकली रिव्यूअर जो है वो जनरली ना वो इनडायरेक्ट वे में पूछता है, वो डायरेक्ट कई बार आंसर नहीं करते, ताकि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आपने वाकई में ये काम किया है नहीं किया, वो पूरा रिव्यू प्रोसेस ही ऐसा है कि दूसरे को आदमी एजुकेट करता है, क्वेश्चन पूछ के एजुकेट करता है, ओके। तो जनरल कॉमेंट जो होता है थेरेपी से रिलेटेड डेड टाइम वाले आते हैं, ओके। तो डेड टाइम मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो ये मेथड जो है, द मेथड प्रपोज बाई एडम्स एट ऑल is generally adopted for determining dead time. उसमें क्या है, इट यूजेज प्रोसेस का नाम क्या है, इट यूजेज स्टैंडर्ड स्प्लिट सोर्स मेथड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लिट सोर्स मेथड बोलते हैं। मेथड बाई मेजरिंग डेड टाइम, एंड जब इस मेथड से हम डेड टाइम मेजर करते हैं, एंड यूजेज द रिजल्ट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर पैरालिजेबल सिस्टम। पैरालिजेबल सिस्टम के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, कौन सा इक्वेशन, आर जीरो इज इक्वल टू आर टी ई टू द पावर माइनस आर वन सॉरी आर टी इंटू टाउ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर पैरालिजेबल सिस्टम के लिए, टू कैलकुलेट द काउंट रेट एट विच ए स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ काउंट आर लॉस्ट ओइंग टू डेड टाइम। तो ये टाउ जो है, ये टाउ डेड टाइम के लिए कितना काउंटरेट लॉस होगा, वो आर जीरो तो जीरो है, मतलब जो आपने वो रखा था, और आर टी जब निकालोगे तो ये काउंटरेट लॉस कितना हुआ एट द टाइम फॉर डेड टाइम टाउ के लिए, तो ये निकल के आ जाएगा। वेयर यहाँ पे लिखा कि आर टी जो है इज द ट्रू काउंटरेट है, राइट, आर टी इज द ट्रू काउंटरेट, काउंटरेट एट विच काउंटरेट दैट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ डेड टाइम वेयर नेग्लिजिबल।
सॉरी मैं यहाँ पे बोलने में मेरी गलती हो गई, यहाँ पे एक्चुअली आर टी जो है वो ट्रू काउंट रेट है, जो मैंने आर जीरो को बोल दिया था ट्रू काउंट रेट, राइट, और आर जीरो जो है वो ऑब्जर्व काउंट रेट है, ओके okay? तो ध्यान देगा, ट्रू जो है वो आर टी है और आर जीरो जो है ऑब्जर्व है, तो ऑब्जर्व हमेशा लेस होगा क्योंकि डेड टाइम होगा, तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला में वही है, एंड टाउ इज द डेड टाइम एज मेजर्ड बाय द स्प्लिट सोर्स मेथड, राइट। अब ठीक है, स्प्लिट सोर्स मेथड यूज करके आपने टाउ का वैल्यू निकाल लिया, और टाउ का वैल्यू निकालोगे इस इक्वेशन में प्लग करोगे तो आपको ऑब्जर्व्ड काउंट रेट जो होगा विथ ड्यू टू दिस मच डेड टाइम लॉस जो होगा कितना होगा वो आपको पता चल जाएगा, यदि आपको ट्रू पता है तो, ठीक है, या ऑब्जर्व पता है तो फिर ट्रू निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, डेड टाइम पता है तो, ठीक है, ओके। द स्प्लिट सोर्स मेजरमेंट्स मे बी परफॉर्म्ड इंट्रिंजिकली और एक्सट्रिंजिकली विथ ए गिवन कॉलिमेटर। अब कैसे करते हैं, डेड टाइम कैसे मेजर करते हैं वो मेथड बता रहे, ओके okay? तो उसके मेथड के मेजरमेंट के दो तरीके हैं, एक इंट्रिंजिक कर सकते हो या एक्सट्रिंजिक कर सकते हो। एक्सट्रिंजिक करोगे तो विथ ए गिवन कॉलिमेटर, एक कॉलिमेटर के साथ करोगे, और अगेन कॉलिमेटर आपका अलग अलग हो सकता है। यूजुअली लो एनर्जी हाई सेंसिटिविटी टाइप ऑफ कॉलिमेटर यूज करते हैं, मतलब वो कोई जरूरी नहीं है कि यूजुअली आपको यही यूज करना है, आप जो कॉलिमेटर पे स्टडी कर रहे हो उस कॉलिमेटर के लिए आप डेड टाइम निकाल सकते हो, एक्सट्रिंजिक जो निकल के आएगा, इंट्रिंजिक तो कॉलिमीटर हटा के ही करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द टू पॉइंट सोर्स आपको बनाना है, राइट, टू पॉइंट सोर्स ऑफ टेक्नीशियम 99M शुड बी प्रिपेयर्ड विथ एनफ एक्टिविटी, एक्टिविटी एनफ होना चाहिए टू प्रोड्यूस ऑब्जर्व्ड काउंट रेट। अब ऑब्जर्व्ड काउंट रेट कैसे निकालोगे, 0.10 डिवाइडेड बाय टाउ, डेड टाइम से डिवाइड कर लोगे, राइट, उसका प्लस माइनस 20% आना चाहिए आपका, तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि मेरे कैमरा का डेड टाइम इतना होता है, तो उससे करके आप काउंट रेट निकाल लोगे और प्लस माइनस उतना, तो आपको कितनी एक्टिविटी रखनी है पॉइंट सोर्स में वो आपको आइडिया लग जाएगा। व्हेन प्लेस्ड बीनीथ द गामा कैमरा, और यही इसी सोर्स को गामा कैमरा के नीचे रखना है। द प्रोसीजर इज टू मेजर द काउंट रेट ऑफ द फर्स्ट सोर्स, पहले क्या करना है, फर्स्ट सोर्स का काउंट रेट मेजर करना है, देन फॉर बोथ द सोर्सेज, फॉर बोथ सोर्सेज व्हेन प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, और फिर दोनों सोर्स को, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को एक साथ रखना है और तब जाके मेजर करना है। एंड फाइनली द सेकेंड सोर्स एलोन बाई सेकेंड सोर्स एलोन आफ्टर रिमूविंग द फर्स्ट सोर्स, पहले तो एक फर्स्ट लिया सोर्स, तो एक मेजरमेंट ले लिया, फिर दोनों लिया, फर्स्ट सोर्स रखा हुआ था सेकेंड वाले लेकर के आ गए, राइट, तब ले लिया, और थर्ड में क्या किया, फर्स्ट वाले को रिमूव कर दिया और सेकेंड वाले का मेजरमेंट ले लिया, तो ये सीक्वेंस होता है। और उसके बाद जो पैरालाइजेबल सिस्टम डेड टाइम जो है वो इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, tau is equal to 2R12 divided by R1 plus R2 का whole square है, फिर natural log है R1 plus R2 divided by R12, ठीक है, तो ये ऐसे कर लेते हैं, where R1 जो है, R1 is the count rate for the first source है, R2 जो है, R12 is the count rate for the both sources placed next to each other, and R2 is the count rate for the second source alone. All count rate must be corrected for the decay. मतलब जब जब टाइम पे जब आप जिस समय पे आपने मेजरमेंट किया, पहले से तो बनाया होगा सोर्स, राइट, और ये आगे पीछे जो भी रख रहे हो, जहां पर भी करेक्शंस की जरूरत, तो उस टाइम पे डिके करेक्टेड करके आपको सोर्स की एक्टिविटी पता रखनी है, ओके okay? वो इसी के लिए बोल रहा, ऑल काउंट रेट मस्ट बी करेक्टेड फॉर द डिके। द रिजल्ट ऑफ द स्प्लिट सोर्स डेड टाइम मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शन ऑफ काउंट इन द टोटल एनर्जी स्पेक्ट्रम दैट वेयर इंक्लूडेड इन द एनर्जी विंडो यूज्ड।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी डेड टाइम आप मेजरमेंट करोगे तो जो आपने विंडो सेट किया हुआ है राइट, उसके ऊपर आपका रिजल्ट जो है वो डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाट इट सेड, द रिजल्ट ऑफ स्प्लिट सोर्स डेड टाइम मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शन ऑफ काउंट, कितना आया फ्रैक्शन ऑफ काउंट इन द टोटल एनर्जी विंडो स्पेक्ट्रम में, इन द टोटल फ्रैक्शन ऑफ काउंट इन द टोटल एनर्जी स्पेक्ट्रम दैट आर इंक्लूडेड इन द एनर्जी विंडो यूज्ड राइट। मतलब उस फोटोपिक जो भी आप ले सेट करोगे उस एनर्जी विंडो पे डिपेंड करेगा आपका। दिस इज बिकॉज द सिस्टम कॉम्पोनेंट्स दैट डिटरमिन डेड टाइम ऑपरेट बिफोर पीएचए। जो डेड टाइम जो भी मतलब जो सिस्टम का डेड टाइम जो लग रहा है वो सिर्फ पीएचए के पहले ही लग रहा है। मतलब देखो आप पल्स है, अब एक बार क्या किया उसने सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल के साथ, थैलियम एक्टिवेटेड क्रिस्टल के साथ वो इंटरेक्ट करता है तो वहां से लाइट निकलेगा। वो लाइट जो होगा वो ट्रेवल करके फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब तक जाएगा, फिर फोटो मल्टीप्लायर तो इसमें टाइम लगेगा, फिर इमिट होने में टाइम लगा, डीके होने में टाइम लगेगा, फिर यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से क्या होगा, फोटो कैथोड से इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होकर के प्री एम्पलीफायर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के आउटपुट तक पहुँचने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद प्री एम्पलीफायर को एम्पलीफाई करने में टाइम लगेगा, फिर एम्पलीफायर को टाइम लगेगा, फिर मान लो कि यदि आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज कर रहे हो करके डिजिटाइज करो तो उसमें टाइम लगेगा, फिर जब वो आ गया वहां पे सारे मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हो गए, एक्स वाई का डिटर्मिनेशन हो गया, जेड का डिटर्मिनेशन हो गया, ये सारे प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक्स वाई सिग्नल आकर के कंप्यूटर पे वेट करता है कि डॉट डालना है कि नहीं डालना, और जेड जो होता है वो पीएचए तक जाता है, जैसे पीएचए में ओके होता है वो क्या करता है वहां पे टिक वो लाइट डाल देता है तो आपका इमेज बन जाता है। तो सारा प्रॉब्लम जो हो रहा है, जो टाइम जो लग रहा है वो पीएचए के पहले लग रहा है, समझ गए। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, फॉर दिस इज ट्रू बिकॉज द सिस्टम कॉम्पोनेंट दैट डिटर्मिन डेड टाइम ऑपरेट बिफोर पीएचए। ओके बोलते समय सब नैनो सेकंड के अंदर ही हो जाता है। हाँ ठीक है जो भी हो, लेकिन वो भी नैनो सेकंड तो टाइम लगता है ना, वो आपके लिए कुछ नहीं है लेकिन वो एक्टिविटी कैलकुलेशंस बाकी चीजों में तो वो फर्क डाल ही रहा। ओके इट फॉलोज दैट द मेजर डेड टाइम डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इन द स्पेक्ट्रम, याद रखिएगा। इसीलिए फोटो पीक की बात बोले कि क्या इंक्लूडेड है, और यदि स्कैटरिंग मीडिया होगा तभी भी डेड टाइम का असर डिफरेंट होगा, डेड टाइम का कैलकुलेशन डिफरेंट आएगा। इसलिए फॉर इंट्रिंजिक मेजरमेंट इट इज सजेस्टेड दैट इंट्रिंजिक के लिए क्या करना चाहिए, स्केटर फ्री सोर्स इन्वायरमेंट यूज करना चाहिए राइट। वहां पे स्केटर नहीं होना चाहिए जब आप मेजर कर रहे हो तो, वेयर द सोर्स वुड बी सेट इन टू द होल्डर। इस केस में क्या कर सकते हैं, सोर्स को होल्डर में सेट करते हैं, सोर्स होल्डर में रखते हैं, प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 6 mm लेड ऑन द बैक एंड साइड। बैक ऑन द साइड का मतलब कि होल्डर जो होगा, जैसे मान लो कि होल्डर है इसके अंदर आप सोर्स रखोगे तो इधर से उसका एग्जिट होगा, बैक से बंद हो जाएगा और ये साइड से कवर हो जाएगा, उसको डाल करके सोर्स को आप क्लोज कर लोगे तो इधर से भी बैक हो गया ये पूरा गोल, और यहाँ से एक स्लिट होगा जहां से होकर के उसके सोर्स जो है जो एक्टिविटी जो है मतलब वहां से फोटॉन्स निकलेंगे। ओके तो ये बोल रहे हैं कि स्केटर फ्री रखने के लिए 6 mm का लेड आपको यूज करना है फॉर टेक्नीशियन के लिए। ओके फॉर एक्सट्रिंजिक मेजरमेंट के लिए क्या करना है, वन शुड प्लेस द सोर्सेस इन ए फैंटम। उसको सोर्स को क्या रखना चाहिए, फैंटम में रखना चाहिए टू सिमुलेट स्केटरिंग बाई ह्यूमन टिश्यू। ठीक है तो ह्यूमन टिश्यू में जैसे मतलब ह्यूमन बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है तो जिस वे में इंटरेक्ट करके बाहर आकर के डिटेक्ट होती है उसी हमें बेसिकली क्या करना है, वही इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करना है। और क्यों करना है, क्योंकि हम पेशेंट में ही तो क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं कि
कि भाई कितना डेड टाइम, कितना लॉस हुआ होगा काउंट का। अल्टीमेटली एस्टिमेट भी करोगे, थेरेपी भी दोगे, तो पेशेंट से ही तो मेजरमेंट लोगे, तो उस कंडीशंस में क्या डेड टाइम था वो डेड टाइम निकालेंगे, और तब उस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो मुझे ट्रू काउंट रेट जाकर के मिलेगा सही सही। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप एक्सट्रिंजिक मेजरमेंट करेंगे तो उस समय पे इसको फैंटम में सोर्स रख देना चाहिए, ताकि इट विल सिमुलेट द स्कैटरिंग बाय ह्यूमन टिश्यू व्हेन मेजरिंग डेड टाइम। जो स्पेसिफिकेशन जनरली जो कंपनी जो कोट करती है, द स्पेसिफिकेशन आर कोटेड एज द ऑब्जर्व्ड काउंट रेट थ्रू 20% एनर्जी विंडो, उस समय पे लिख रहे हैं कि 20% एनर्जी विंडो पे एट विच 20% काउंट्स आर लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डेड टाइम। आप समझ गए, मतलब जो मेंशनड होगा काउंट रेट, कंपनी जो मेंशन करती है वो क्या करेगी कि 20% एनर्जी विंडो पे 20% काउंट लॉस जो होगा राइट एज ए रिजल्ट ऑफ डेड टाइम, तो काउंट रेट कितना है, वो काउंट रेट कितना है। समझ में है? नहीं, कंपनी में बोल रहा है द स्पेसिफिकेशन मोस्ट ऑफन कोटेड, वो करती है ना काउंट रेट कैपेबिलिटी के बारे में कि इस सिस्टम के कितनी काउंट रेट कैपेबिलिटी है, कितना काउंट कर सकता है, तो वो कैसे मेंशन करते हैं, दे मेंशन कि 20% यदि आप एनर्जी विंडो रखोगे राइट तो जो डेड टाइम जो है मेरे सिस्टम का, उस पे जो डेड टाइम लॉस जो होएगा ना वो 20% काउंट का लॉस होएगा, तो भी आपका काउंट रेट इतना आएगा। उस समय पे 20% तो लॉस हो रहा है राइट, तो आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। इमेजिंग एट काउंट रेट मच हायर देन दैट रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन ऑफ इमेज क्वालिटी इन मोस्ट कैमराज। तो ये जो वैल्यू मेंशन होता है कि 20% एनर्जी विंडो पे 20% काउंट लॉस ड्यू टू एज ए रिजल्ट ऑफ डेड टाइम इज इक्वल टू दिस, तो वो जो काउंट रेट जो उन्होंने मेंशन किया है उससे ज्यादा काउंट रेट आप रख रहे हो तो आपकी इमेज क्वालिटी खराब आएगी, इट विल बी डिग्रेडेड। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, और उससे ज्यादा काउंट रेट कैपेबिलिटी पे उस सिस्टम को नहीं यूज करना चाहिए। ओके, क्लियर, वेरी नाइस। अनदर पैरामीटर जो है ऑफन स्पेसिफाइड इज द काउंट रेट एट विच द ऑब्जर्व्ड काउंट रेट वर्सेज एक्टिविटी टेक्स ए निगेटिव स्लोप राइट। मतलब वो बोल रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे सीधे जा रहा था, पहले तो धीरे धीरे जा रहा था और सडनली वो नीचे की तरफ आ गया तो स्लोप चेंज हो गया ना। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि वो जैसे घटेगा तो स्लोप चेंज हो जाएगा, राइजिंग था नीचे की तरफ आया तो स्लोप चेंज राइट। जैसे देखो यहां से देखोगे तो ये स्लोप इधर की तरफ आएगा और इसका स्लोप इधर की तरफ खींचोगे तो इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये बोल रहा है जब निगेटिव स्लोप किस पर्टिकुलर काउंट रेट पे जाकर के उसका स्लोप जो होगा निगेटिव होगा वो चीज मेंशन होता है। दिस इज द एब्सोल्यूट काउंट रेट लिमिट फॉर द इंस्ट्रूमेंट, और ये काउंट जो है एब्सोल्यूट काउंट रेट है उसका, उसका लिमिटेशंस है कि इससे ज्यादा फिर आप मेजर नहीं कर सकते काउंट रेट। इन द स्टेट ऑफ आर्ट कैमरास टिपिकल वैल्यू जो है 120,000 काउंट्स है या 170,000 सीपीएस है फॉर ए 20% काउंट लॉस एंड 350,000 सीपीएस for absolute limit where the range refers to observed count rate. In addition to the count causing loss of data, high count rate affects image quality also. ठीक है, मतलब उससे high count rate पे image quality भी affect होती है। Phantom images for quality control purpose and patient study should be performed at the count rate below the threshold for causing image degradation. तो जो भी काउंटेड कैपेबिलिटी उसकी दी गई और मेंशन को उससे कम पे ही फैंटम स्टडी या पेशेंट की इमेजिंग करनी चाहिए।
देयर हैव बीन सेवरल अप्रोचेस टू डिक्रीज द डेड टाइम ऑफ द गामा कैमरा टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एट हाई काउंट रेट. बहुत सारे अप्रोच अवेलेबल हैं कि हाई काउंट रेट पे हम गामा कैमरा के परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करें बाई डिक्रीजिंग द डेड टाइम. ऐसी चीजें अवेलेबल हैं. ओके सो आई होप. थैंक यू वेरी मच. और कुछ पूछना है तो आप बता दो, नहीं तो फिर ठीक है आज बंद करते हैं. कुछ पूछना है नहीं तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन.